हेलो एवरीवन। तो ये जो हमारा 2017 की प्री एग्ज़ाम के लिए है ये, ठीक है। और यूपी का जो समीक्षा अधिकारी और समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, आर ओ ए आर ओ के लिए है, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा है वो आपका सामान्य अध्ययन हम लोग देखेंगे, और 2017 का मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री का है ये। देखिए, आचार्य हैं और सिद्धांत है। तो लकुलिश जो है वो पाशुपत सिद्धांत से हैं, नागार्जुन जो है शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, और गोसाल जो है आजीवक, मखाली गोसाल आजीवक, जो कर्म पे विश्वास नहीं करते थे। इनको था कि जैसा जो हो रहा है वो होता है, ठीक है, मतलब जो लिखित होता है वो चीज़ होती रहती है। तो मखाली गोसाल का ये कहना था, इसलिए वो लोग जो है आजीवक संप्रदाय, उन लोग का आजीवक संप्रदाय था। भद्रबाहु जो है जैन थे, नागार्जुन जो है शून्यवाद के सिद्धांत के जो है उन्होंने शून्यवाद दिया था, और लकुलिश जो है पाशुपत से थे। अब त्रिरत्न का क्या मतलब होता है? त्रिरत्न जो है बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ, ठीक है। त्रिरत्न में क्या है? बुद्ध धम्म और संघ आता है। देखिए, त्रिपीटक होता है, त्रिपीटक में बुद्ध बौद्धिज्म में त्रिपीटक होता है, यानी कि सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक, तीन चीज़ें आती हैं। त्रिरत्न आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, त्रिरत्न बौद्धिज्म में भी होता है और जैनिज्म में भी होता है। बौद्धिज्म में जब त्रिरत्न होता है तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं, बुद्ध धम्म और संघ, और जैनिज्म में जब होता है तो उसमें भी क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है। अब देखिए, अभिलेख है और शासक का नाम है, तो ये ऐहोल जो अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख है, वो पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। नासिक गौतमीपुत्र का है, हाथी गुम्फा खारवेल का, भीतरी जो है स्कंदगुप्त, और गिरनर जो है वो रुद्रदामन का। फिर से देखते हैं, ऐहोल जो है अभिलेख वो पुलकेशिन द्वितीय का है, नासिक जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी का है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंदगुप्त, ठीक है। गिरनर का अभिलेख रुद्रदामन फर्स्ट से। फिर इसके बाद है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। हमने धर्मपाल, देखिए बहुत सारे विश्वविद्यालय थे, है ना, उदंतीपुर, विक्रमशिला, और जो है यहीं पे नालंदा भी विश्वविद्यालय था। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी जो जो है स्थापना जो है जो धर्मपाल ने कराई थी, ठीक है। धर्मपाल कौन थे? ये पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र थे। धर्मपाल पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र थे, योग्यतम उत्तराधिकारी थे धर्मपाल, ठीक है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। इनको परम सौगात की इन्होंने उपाधि धारण की थी, धर्मपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। इन्होंने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, और नालंदा विश्वविद्यालय को की खर्चे के लिए 200 गांव को दान दे दिया था इन लोगों ने, ठीक है। और इन्हें उदय सुंदरी कथा में उत्तर उत्तरापत स्वामी भी कहा गया। उदय सुंदरी कथा सोढ़ल का है, उदय सुंदरी कथा जो उसके रचयिता हैं, जो कवि हैं, वो सोढ़ल हैं, उन्हें उसमें जो है उन्हें कहा गया है उत्तरापत स्वामी, यानी कि उत्तरापत मतलब उत्तर के स्वामी कहा गया है। किसको? धर्मपाल को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, क्रम में हमें इसको लगाना है। तो देखिए, जो है पहला जो हम देखेंगे, यशो वर्मा का जो समय है 930 से लेके 990, ठीक है। धंग का समय है 950 से लेके जो है आपका 1002, ठीक है। विद्याधर का समय है 1019 से लेके 1029। कीर्ति वर्मा का समय है 1060 से लेके 1100 तक, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसने जो है आदिवाराह की जो है उपाधि धारण की? तो देखिए, आदिवाराह की जो उपाधि है वो मिहिर भोज ने धारण की थी। किसने? मिहिर भोज ने, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार के सर्वाधिक जो प्रतापी और महान राजा थे मिहिर भोज थे, और उन्होंने आदिवाराह की, उनका समय है 836 से लेके 885, 836 से 885 उनका समय है मिहिर भोज का। उन्होंने आदिवाराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको काल क्रमानुसार हमें जो है लगाना है। देखिए, तराइन का जो युद्ध था 1192 में, और कौन सा द्वितीय युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें जो है हमारे जो किंग थे यहाँ के, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय को पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में, 1192 में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो हुई थी वो 1296 में हुआ था। अफगानपुर षड्यंत्र जो था 1325 में हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण जो था ये था 1327 में, ठीक है, 1327 में। अभी हमें सुमिलित करना, देखिए रणथंभौर जो है हम्मीर देव, ठीक है, रणथंभौर हम्मीर देव से रिलेटेड है। चित्तौड़ जो है राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्रन, ठीक है, राजा राय रामचंद्रन, और उसके बाद जो है फिर आपका गुजरात जो है कर्णदेव, गुजरात किसका? कर्णदेव, ठीक है, गुजरात कर्णदेव। इसके बाद फिर हमें फिर से जो है यात्री है और देश है, तो हम इसको मैच कराना है। मैच ही मैं बता रही हूँ आपको। इबन बतूता कहाँ से बिलोंग करते? मोरक्को से। मार्को पोलो इटली से, अब्दुल रजाक ईरान से, और नूनिस जो है वो पुर्तगाल से। इबन बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रजाक ईरान, और नूनिस जो थे वो पुर्तगाल से थे। दीवाने अमीर
को ही विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई थी। दीवाने अमीर को ही किस लिए? कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए था। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने बहुत सारे और ऐसे काम किए थे, लेकिन उन्हें कुछ उनकी जो कुछ नीतियाँ थी वो फेल हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो इनोवेशन के बहुत सारे इस तरीके से काम किए थे, उनको जो है दुनिया का खान भी कहा जाता था। दुनिया का खान भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। और ये मुगलकालीन जितने भी सुल्तान थे सबसे ज़्यादा शिक्षित और विद्वान यही थे, बहुत ही योग्य थे ये। इन्हें स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया, ठीक है। देखिए भक्ति आंदोलन में हम देखेंगे तो चिरागे दिल्ली, ठीक है, चिरागे दिल्ली जो है किसे कहा गया, तो चिरागे दिल्ली नसरुद्दीन को, ठीक है। तो देखिए देखिए यहाँ पे चिश्ती संत जो हैं तौहीद ए इलाही के रचनाकार नसरुद्दीन, तो एक क्वेश्चन और इनडायरेक्टली है आपका, नसरुद्दीन ने तौहीद ए इलाही भी लिखा और उनको जो है चिरागे दिल्ली कहा जाता था, जबकि निज़ामुद्दीन औलिया जो है इनको महबूब ए इलाही कहा गया। बाबा फरीद को फरीदुद्दीन जंग ए शकर, फरीदुद्दीन जंग ए शकर कहा गया। किसको? बाबा फरीद को, ठीक है। अब देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली थी, ठीक है, 1192 में। और 1192 में आपको याद होगा तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें गोरी ने जो है इनको पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। इसके पहले बहुत बार गोरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित होता रहा, लेकिन 1192 में द्वितीय युद्ध में तराइन के उन्होंने गोरी ने जो है इनको पराजित किया पृथ्वीराज चौहान को। अब देखिए नेक्स्ट हमारा शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो देखिए बाबर ने चलाया था। बाबर ने पानीपत विजय के समय जो है काबुलवासी जितने लोग थे अब उनके जो है उसमें उनके जो है नगर में या उनके साथ जो एसोसिएटेड जो लोग थे काबुल के जितने लोग थे उनको एक एक शाहरुख का सिक्का जो है प्रदान किया था। शाहरुख का सिक्का, तो शाहरुख का सिक्का बाबर ने चलवाया था। अब नेक्स्ट हम मॉडर्न इंडिया में आते हैं। मॉडर्न इंडिया में जो हमारा ये इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ठीक है ना, यानी कि किसान विद्रोह और जो है आपका मजदूर संघ, ये जो इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन जो है यूपीएससी यूपीपीसीएस में आरओएआरओ में तो आया हुआ है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन हर जगह पूछे जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अहोम जो है अहोम विद्रोह जो है 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। कोल जो है 1831 से 32 में, कोल विद्रोह 1831 से 32 में, संथाल जो है 55 से 56 और मोपला जो है 1921। तो सबसे जो है न्यूएस्ट जो है वो मोपला है और अहोम विद्रोह बहुत पुराना है, 1828 में हुआ था। कोल जो है 1831 से 32 में और संथाल 1855 से 56 में, मोपला 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंपा जो चंपारण कृषि जो जाति समिति जांच समिति थी, चंपारण में जांच समिति जो थी उसमें कौन से सदस्य नहीं थे? देखिए कौन कौन से सदस्य थे ये हम देख लेते हैं। देखिए इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा, किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड था उस समय। उन्होंने एफ जी स्लाई, क्या नाम था? एफ जी स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जाति समिति का गठन किया। इसके सदस्यों में महात्मा गांधी थे, जी रायनी थे, डी जे रीड थे और एम ई एल टेबर थे और साथ में कौन थे? एल सी अडामी थे, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे, लेकिन अनुग्रह नारायण नहीं थे इसमें, ठीक है। तो ये लोग जो है थे। कूका आंदोलन की नींव जो है पड़ी थी। देखिए दो आंदोलन हमारे इसमें है, कूकी आंदोलन और कूका आंदोलन, ठीक है। तो कूकी हमारे ख्याल से मणिपुर में है, कूका जो है कूका पंजाब में है, ठीक है। तो आप कूकी एक बार देख लीजिएगा, मणिपुर में है, मेरे जहाँ तक मुझे याद है मणिपुर में है, ठीक है। कूका आंदोलन कहाँ पे? पंजाब में है। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी 1840 में भगत जवाहरमल द्वारा कूका आंदोलन का स्टार्ट किया गया था। ये मूलतः धार्मिक आंदोलन था जो बाद में नागरिक आंदोलन में रूप में परिवर्तित हो गया। और जो भगत जवाहरमल थे उनको सियान साहब भी कहा जाता था, सियान साहब, ठीक है। आप देखिए सूची है इसमें जो है स्थानीय, इसमें जो है कुछ नीतियाँ थी और कौन जो है इनको इम्प्लीमेंट किया वो पूछ रहे हैं। तो देखिए स्थानीय प्रशासन, ठीक है, स्थानीय प्रशासन लॉर्ड रिपन, सहायक संत लॉर्ड विलेजली, राज्य अपहरण नीति जिसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ जो है लैप्स, ठीक है, पॉलिसी लैप्स की पॉलिसी, ये लॉर्ड डलहौजी और स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है देखिए इसमें रिपोर्ट से ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले से ही क्वेश्चन आया हुआ है।
देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है 28 अगस्त 1928 28 अगस्त 1928, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। सेकेंड गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में, और सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड जो था वो 9 अगस्त 1932 में हुआ था, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, सांप्रदायिक पंचायत जो है वो 16 अगस्त 1932 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन है, तो ये देखिए सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु हैं वो सी आर दास जी हैं, ठीक है, सी आर दास हैं, चितरंजन दास जी हैं। और अगर हम देखें तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। ऑपरेशन रूबिकॉन, ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन क्या है, देखिए वह ये कूट है, कौन सा कूट है ऑपरेशन रूबिकॉन, तो देखिए जेल में गांधी के आमरण अनशन के समय, जेल में जब गांधी जी आमरण अनशन में थे तो ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का प्रयोग लॉर्ड लिथगो ने किया था, आगा खां पैलेस में पूना में किया था, जब गांधी जी आमरण अनशन पे थे और उसके दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देनी थी, तो ऑपरेशन रूबिकॉन का यूज़ किया था लॉर्ड लिथगो ने, ठीक है। अब फिर से हमारे पास सूची और हमें क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए समाचार दर्पण और कौन जो है उसके जो है किसने जो है निकाला था समाचार दर्पण को, तो समाचार दर्पण थे जेसी मार्शमैन, कौन थे जेसी मार्शमैन, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। फिर से देख लीजिए, समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा है, तो नहीं जुड़ा है पूछ रहा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन देख लेते। देखिए मेजर जनरल शाहनवाज खां, सभी लोग को पता है शाहनवाज खां और जो है प्रेम कुमार सहगल, इन लोग का जो है ट्रायल हुआ था दिल्ली में, दिल्ली ट्रायल में इन लोग का नाम था, ठीक है ना। तो हम लोग को ये पता है कि शाहनवाज और कुमार सहगल तो बिल्कुल थे, प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक, शौकत अली भी थे आपको याद होगा, मेजर करतार सिंह, तो ये थोड़ा जो है ये याद नहीं लेकिन है, मेजर करतार सिंह भी थे, ठीक है। तो ये जो है सारा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, सारा ही ऑप्शन सही है। अब देखिए फिर से हमारे पास जो है ये कालानुक्रम में हमें लगाना है, देखिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 में, यानी कि इसको हम सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932, देखिए इसी पेपर में दो बार आ चुका है ये, याद रखिएगा इसको, सांप्रदायिक जो है कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932, पूर्ण समझौता जो है 24 सितंबर 1932, तृतीय गोल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932, और अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940, तो ये सब 1932 वाला है, लेकिन जो है डेट में मंथ्स में डिफरेंस है। तो जो सांप्रदायिक जो है पंचायत था या अधिनिर्णय था वो जो है 16 अगस्त 1932 में, फिर पूना समझौता जस्ट हुआ उसके बाद 24 सितंबर 1932 में, तृतीय गोल में सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 में, और अगस्त प्रस्ताव हुआ 8 अगस्त 1940 में, ठीक है। भूगोल की बात करते हैं तो देखिए पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो कौन सा भाग है, वो है आपका अधिकेंद्र, एपिसेंटर। देखिए आप अपनी बुक ले लीजिए, ठीक है, बुक बुक के नीचे से नीचे वाला जो पॉइंट, कोई किसी जो है पॉइंट पर हाथ रखेंगे और एक ऊपर पे कोई से पॉइंट पर हाथ रखेंगे, तो नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो फोकस होगा, क्या बोलते हैं उसको, फोकस, ठीक है, फोकस, और ऊपर का पॉइंट जो होगा उसको कहेंगे अधिकेंद्र, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट होता है तरंगे आना, जहाँ से स्टार्ट होती हैं वो उसको फोकस कहते हैं, और जहाँ पे हमें दिखती हैं उसको अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर बोला जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह का वो वाला भाग जहाँ पे भूकंपीय तरंगे जो सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है, जबकि जिस जगह से भूकंप का कंपन शुरू होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है, ठीक है। भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम जो अधिकेंद्र है वो अधिकेंद्र से ही रिकॉर्ड, फोकस में हम नहीं रिकॉर्ड करते, अधिकेंद्र से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहाड़ियाँ हैं और राज्य हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ क्या है, गारो जो है, गारो पहाड़ी वो कहाँ पे, मेघालय में है, मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, कोलाई मलाई जो है तमिलनाडु में है, और डालमा जो है झारखंड में है, ठीक है, डालमा जो है झारखंड में है। गारो देख लीजिए फिर से, गारो कहाँ पे, मेघालय में है, मिरी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कोला मलाई जो है तमिलनाडु में, और डालमा झारखंड, ठीक है। तटीय राज्यों की संख्या कितनी है हमारे भारत में, 9 है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मेंस में भी आया और प्री में भी आया, 9 राज्य हैं, अगर टोटल देखें तो 13 है, क्योंकि 4 जो है हमारे स्टेट हैं और 4 जो है आपकी केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो 4 स्टेट कौन से हैं, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, पश्चिम जो है बंगाल, ठीक है।
और चार जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन और दीव हैं। ठीक है, अब देखिए थारू जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो थारू उत्तराखंड में भी है और उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो थारू जो है उत्तराखंड जनजाति जो है वहाँ सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, लेकिन यूपी में ये तीसरे नंबर पर है गोंड और खारवार के बाद। और यूपी में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गोंड है, दूसरे नंबर पे खारवार, तीसरे नंबर पे थारू है। अगर यही बिहार की बात करें तो बिहार में गोंड पहले नंबर पे है, फिर थारू जो है बिहार में भी तीसरे नंबर पे है, तो संथाल और गोंड। ठीक है, गोंड यूपी में सबसे ज़्यादा गोंड है, और उसके बाद खारवार है, और फिर थारू है। बिहार में सबसे ज़्यादा संथाल है, फिर गोंड है, और फिर थारू है। तो थारू मतलब यूपी बिहार में तीसरे नंबर पर है, और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति थारू की ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें मिट्टी की जो है प्रजाति मिट्टी का मिट्टी मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। तो बिल्कुल सही है, मृत्तिका अधिकतम, क्योंकि उसके बीच का जो इंट्रा मॉलिकुलर स्पेस होता है और उसके बीच में जो कणों की जो कण होते हैं उसके, वो कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो क्या होता है, अधिकतम जल धारण कर सकती है। लेकिन मृत्तिका में रंधास बड़े होने नहीं, रंधास छोटे होते हैं इसलिए वो ज़्यादातर जल धारण करती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और अब जो है जल धारण क्षमता के जो है घटता हुआ क्रम हमें दिखाना, तो सबसे जो है ज़्यादा जल धारण कौन करता है, सबसे ज़्यादा जल धारण मृत्तिका करेगी, उसके बाद गाद होगा, उसके बाद बालू। ठीक है, बालू का जो कण होता है वो बहुत बड़ा होता है आकार में, है ना, और आकार में बड़ा होने की वजह से, बहुत बड़ा मतलब होता है जो हमारी मिट्टियों की जो डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो है बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण जो है उसमें क्या होता है, वो जल ग्रहण सही से नहीं कर पाता, जल सारा रिस के बाहर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बांध है और नदी है। तो देखिए दुलहस्ती बांध चिनाब पे है, गांधी सागर जो है कहाँ पे है, चंबल पे है, उकई कहाँ पे है, तापी पे है, और तवा जो है तवाही पे है। ठीक है, देखिए कौन सा ऐसा जो है शैल समूह है जिसमें खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खनिज जो है पाए जाते हैं वो धारवाड़ में है। कहाँ पे, धारवाड़ समूह में है, कहाँ पे पाए जाते हैं, धारवाड़ में। लेकिन अगर कोल की बात करें तो कहाँ पे पाए जाएंगे, कोल जो है गोंडवाना समूह में पाए जाएंगे, याद रखिएगा। जो खनिज की बात करते हैं तो वो जो है आपके धारवाड़ में पाएंगे, लेकिन अगर कोल जो है कोल की बात करते हैं कोयला की, तो वो जो है गोंडवाना में पाए जाएंगे। देखिए चुक्वी कामाटा, ठीक है, चुक्वी कामाटा जो है चिली में है, ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका तांबा के लिए। ठीक है, चुक्वी कामाटा तांबे के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, और विश्व का तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली देश है। ठीक है, यहाँ जो है पेरू और चीन जो है उसके बाद में दूसरा और तीसरा स्थान रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा चिली में है, फिर पेरू में है, और फिर चीन में है, क्या चीज़, तांबा। ठीक है, अब यही पूछ लेगा कि चुक्वी कामाटा कहाँ पर है, तो ये चिली में है। अब हमें क्या करना है, हमें सुमेल करना है। ठीक है, देखिए पंपास जो है घास के मैदान है और देश है। पंपास कहाँ पे, अर्जेंटीना में। कहाँ पे है पंपास, अर्जेंटीना में। ठीक है, पंपास जो है अर्जेंटीना में, पुस्टैज जो है हंगरी में। पंपास अर्जेंटीना, पुस्टैज हंगरी, वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका, और डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना, जो है पुस्टैज जो हंगरी में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। आपको क्या करना है, कुछ और जो घास के मैदान है, अच्छा डाउल्स तो बता दिया, आप बता दीजिए कि न्यूजीलैंड में कौन से घास के मैदान हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड में कौन से मैदान हैं। ठीक है, तो ये जो है घास के मैदान आपके पास है, फिर से देख लीजिए, पंपास जो है अर्जेंटीना में है, पुस्टैज हंगरी में है, वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में है, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, जापान के निम्नलिखित में से चार द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में हमें बताना, तो चार द्वीप जो है जापान के हैं, और हमें साउथ टू नॉर्थ उनको अरेंज करना है। तो देखिए क्या होगा, पहले होकैडो है, फिर होनशु है, फिर शिकोकू है, और क्योशु है। ठीक है, होकैडो, होनशु, शिकोकू और क्योशु। होकैडो, होनशु, शिकोकू और क्योशु। ठीक है, तो पहले सबसे क्या है, होकैडो है, फिर होनशु है, फिर शिकोकू है, और फिर क्योशु है। आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा जो द्वीप है कौन सा है। ठीक है, तो मैं ही बता देती हूँ, देखिए होनशु जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है, होनशु सबसे बड़ा द्वीप है। जनसंख्या और नगरीकरण में आते हैं, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इस बार जनसंख्या से पूछा गया है, तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक जो प्रभावकारी उपाय है वो कौन सा है, वो सी है। ठीक है, क्या है, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण जो है वो सबसे अच्छा उपाय है जनसंख्या कंट्रोल करने का। तो उन्होंने ये कहा कि जो जनसंख्या होती है उसकी वृद्धि गुणोत्तर होती है, गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधनों का समांतर श्रेणी में। याद रखिएगा, अपोजिट करके पूछ लेगा तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में होती है, दो, फिर उसके बाद चार, फिर 16, है ना, ऐसे करके बढ़ती रहती है। लेकिन जो जो आपका ये है जीविकोपार्जन, वो इस तरीके से नहीं, वो समांतर श्रेणी में बढ़ता है। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे बढ़ता है, जीविकोपार्जन बहुत स्लो बढ़ता है लेकिन जनसंख्या बहुत तेज़ वृद्धि होती है। तो उनका ये कहना है कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण ना किया जाए, ठीक है, जन्म के आधार पर जनसंख्या पर नियंत्रण ना किया जाए, तो आपात जो है मृत्यु, आपात जो है व्यापक, इतनी ज़्यादा अकाल मृत्यु हो जाएगी कि वो प्रकृति जो है इस तरीके का कोई सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि जनसंख्या फिर अपने आप उसी तरीके से कंट्रोल होनी शुरू होगी। ठीक है, तो ये हो गया। और उन्होंने ये भी कहा, और ये सिचुएशन प्रेजेंट में आप देख ही रहे हैं क्या है, तो उन्होंने निष्कर्ष भी दिया कि यदि जनसंख्या निर्वाह के संसाधनों का अवरोध में अवरोध ना हो तो 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था किस किस में जो है भारतीय जो जो महिला साक्षरता वो न्यूनतम है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश। राजस्थान में न्यूनतम है, देख लेते हैं। देखिए, भारत में जो है साक्षरता है 73% ठीक है, पूरे भारत में साक्षरता है 73%, जिसमें पुरुषों की है 80.9%, 80.9% और महिलाओं की जो है वो है 64.6%। ठीक है, पूरे भारत में 73% लोग शिक्षित हैं, 80.9% लोग जो पुरुष हैं वो मेल हैं शिक्षित हैं, 64.6% जो है औरतें शिक्षित हैं। ठीक है, महिला साक्षरता जो है अवरोही क्रम में हम देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा साक्षर केरल है, फिर मिजोरम है, फिर लक्षद्वीप है, गोवा है। जबकि न्यूनतम साक्षरता अगर हम देखें तो सबसे जो है असाक्षर जो है वो बिहार है, फिर मतलब कम साक्षरता है बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है और जम्मू कश्मीर है। सबसे कम साक्षरता बिहार में है, अरुणाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है, झारखंड में है और आपका जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम आई। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या में कमी आई है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है नागालैंड, केरल, मणिपुर और सिक्किम। तो नागालैंड में कमी आई है, कितने परसेंट की, देखिए ये -0.6% से डिक्रीज़ हो गया इनका पॉपुलेशन, बाकी तो हर जगह इंक्रीज़ हुआ। दादर नगर हवेली देखें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ यहीं पे हुआ है, 55 to 90%। ठीक है, तो ये था। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि जो हुई है हमारी वो जो है लक्षद्वीप में हुई है, 6.3% से हुई है, लेकिन नागालैंड में तो जनसंख्या हमारी निगेटिव में आ गई है, 0.6% निगेटिव हो गया है। ठीक है, अब ईयर 2011 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता किसका है, तो देखिए ऑप्शन में हमारे जो है मणिपुर है, पंजाब है, आसाम है और मध्य प्रदेश है, तो मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर है जो सबसे ज़्यादा साक्षर है। ठीक है, तो मणिपुर में 79.2% है, पंजाब में 75.8% है, आसाम में जो है 72.20% है, मध्य प्रदेश में 69.3% है। और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्यों की सर्वाधिक जो साक्षरता है वो केरल में 94% है, जबकि न्यूनतम बिहार में 61.8%। ठीक है, अब देखिए इसमें नगरीय जनसंख्या का देश में कुल कितनी जनसंख्या की प्रतिशत थी, नगरीय जो है आपकी 31.16% लोग, एक ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 31.16% लोग। ठीक है, 31.16% लोग शहरी जो है इसमें रहते हैं हमारे भारत में, यानी कि शहरीकरण हमारे भारत में इतना है। अब देखिए भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घन तो उच्चतम था, तो देखिए बिहार का उच्चतम है। ठीक है, अगर हम अपने इंडिया में देखें तो इंडिया में 382 है टोटल जो घनसंख्या जनत्व है, 382 है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग ऑन एन एवरेज रहते हैं इंडिया में। लेकिन अगर बिहार में देखें तो 1106 लोग रह रहे हैं उसी एरिया में, और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली में देखें, यूटी में हम चले जाएँ, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में 11320 लोग, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और न्यूनतम जो है अंडमान निकोबार में आपको बताई दिया, 46 लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखिए राज्यों को उनके नागरीकरण के अवरोही क्रम में, तो सबसे ज़्यादा देख लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो नागरीकृत है वो महाराष्ट्र है, ठीक है, 45.2% है, गुजरात जो है 42.6% है, आंध्र प्रदेश 33.4% है, पश्चिम बंगाल 31.9% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका नागरीकृत है वो हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नागरी जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो देखिए 82.61%। ठीक है, कितना 82.61% कितनी है, 82.61% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नागरी जनसंख्या महानगरों की जो है जनसंख्या है वो बयालीस दशमलव छः एक परसेंट है, यानी 42.61% है। ठीक है,
अब देखिए महानगर किसको कहते हैं पता है आपको, महानगर वो जिसमें 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से या उससे अधिक लोग जो है जनसंख्या निवास करते हैं उसको महानगर की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, वर्तमान में अगर इंडिया में पूछा था कि कितने महानगर हैं तो हमारे यहाँ 53 तिरपन महानगर हैं, तिरपन। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम है, नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। ठीक है, तो ऐसे देखें तो भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है 31.2% है, 31.2% है, लेकिन न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में 10%। ठीक है, 10% लोग रहते हैं, और गोवा में अधिकतम है 62.2%। ठीक है, गोवा में सबसे ज़्यादा है 62.2%। नेक्स्ट हमारा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नागरीकरण के स्तर पे भारत का द्वितीय स्थान है। तो देखिए जो ये मिज़ोरम है, ठीक है, मिज़ोरम है, मिज़ोरम की साक्षरता दर 91.3% है। कितना है? 91.3%, और नागरीकरण 52.1% है। दोनों की दृष्टि देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, साक्षरता में भी और आपका नागरीकरण में भी। साक्षरता में कौन सा? गोवा प्रथम में है, नागरीकरण में, सॉरी, साक्षरता में केरल है और नागरीकरण में गोवा है। ठीक है, लेकिन दूसरे दोनों ही पे जो है कौन सा है? मिज़ोरम है। और 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता 2001 से 2011 में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है? तो ये जो है 11.4% वृद्धि हुई है, 11.45%, 11.45% साक्षरता में जो है एक दशक में वृद्धि हुई है यूपी में। ठीक है, जनगणना, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है? तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली और गाज़ियाबाद। तो गाज़ियाबाद की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, गाज़ियाबाद की, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा है, फिर कानपुर नगर की, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाज़ियाबाद आता है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, फिर गाज़ियाबाद। ठीक है, और आरोही क्रम में देखें तो सबसे कम जो है श्रावस्ती में है, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं में है। तो ये हमारा सीरीज़ है, और अब हम जो है कवर करेंगे भारत, जो भारतीय हमारा संविधान और राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो अस्पृश्यता समाप्ति की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 17 के अंदर की गई है। ठीक है, तो देखिए ये आर्टिकल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक जो है हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, 14 से 18 तक जो है तक में प्रथम जो है मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार, समता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अब इसमें देखिए अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता। 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, 18 में है उपाधियों का अंत। तो 17 हमारा है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संविधान के 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। ठीक है, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। तो अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना वर्णित है, और 170(1) के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन होते हुए प्रत्येक राज्य में विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो 500 जो है अधिकतम हो सकते हैं और 60 जो है न्यूनतम हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कि जो है संस्था है और उसकी स्थापना दिवस के बारे में पूछा था। देखिए अन्वेषण ब्यूरो जो है वो 1963 में, अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, सतर्कता आयोग 1964 में, भ्रष्टाचार कानून जो है निरोध कानून 1988 में, और प्रवर्तन निदेशालय 1956 में, प्रवर्तन निदेशालय 1956 में। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है, क्या था? प्रशासनिक सुधार आयोग। तो वो जो है जिन्होंने लोकपाल या लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, तो पहली बार जो है मोरारजी देसाई ने, किसने? मोरारजी देसाई ने। तो मोरारजी देसाई ने लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। ठीक है, किसने? मोरारजी देसाई ने। ये पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, और ये 1966 में था जो है, इनकी अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1967 में जो है इसका जो इसके अध्यक्ष जो है हनुमंत अय्यर को बनाया गया था। प्रथम जो है प्रशासनिक सुधार में ही जो मोरारजी देसाई हैं उन्होंने जो है ये मांग की थी कि लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की जाए, उनका सुझाव दिया था एक्चुअली। ठीक है, तो सेकेंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है वीरप्पा मोइली थे। ठीक है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वीरप्पा मोइली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने के अधिकार दिया गया वो आपको कौन सा, दिल्ली और पुडुचेरी, आपको पता है। नेक्स्ट हमारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रावधान संविधान के जो है अनुच्छेद 234(3) में किया गया था, ये सब गलत है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 334(3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई, वन थर्ड स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि ऐसे स्थान जिसकी पंचायती राज में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से आमंत्रित किए जा सकेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जो हमारा एक है, ठीक है, जो क्वेश्चन था वो 243(2) था, जबकि 243(3) में जो है ये किया गया, 243(3) में जो वन थर्ड जो आपका स्थान दिया गया है, 1/3 स्थान जो है औरतों को, जो स्त्रियां हैं उनके लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। अब देखिए 334 में आरक्षण की अवधि 70 वर्ष, लोकसभा और राज्य जो राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व और SC/ST के स्थानों के आरक्षण से संबंधित, न कि पंचायती राज से। तो 334 है वो SC/ST और आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उनसे है, जो आपका पंचायतों से नहीं है, तो ये हमारा दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा, तो 334 जो है वो किसके लिए है, SC/ST के लिए और आपका आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए है, आरक्षण का प्रावधान करती है। देखिए संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में हमें देखना है, 73वां संशोधन के संदर्भ में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो है पंचायतों की स्वायत्तता किस जो है संस्था पंचायतों को एक स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा भारतीय संविधान है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9(9) जोड़ा गया है और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी है जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं, 29 हैं, और पंचायती जो राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, ठीक है, दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन में अगर हम देखें तो शहरी जो है स्थानीय निकायों की व्यवस्था की गई है और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। शहरी जो स्थानीय सरकार उसको 18 विषय जो है दिए गए थे, ठीक है। तो इसमें जो है 18 विषय दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा है अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन। देखिए उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है क्या, उत्पादक जो है कीमत सूचकांक क्या मापता है। तो देखिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के जो औसत परिवर्तन को मापता है, उत्पादक कीमत सूचकांक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत की औसत परिवर्तन को मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक की संरचना के तथा कार्य विधियों सुझाने के लिए 21 अगस्त 2014 को प्रोफेसर BN गोल्डर की अध्यक्षता में एक कार्यदल की ने अपनी रिपोर्ट दी, जो 31 अगस्त 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। देखिए आपको सीधे यही समझना है कि उत्पादक कीमत सूचकांक जो है वो मापता क्या है, वो उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। कृषि और उद्योग में हम देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन जो हमारा है वो है राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादक है प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। तो देखिए प्रति हेक्टेयर से जो है पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादक है चावल का, ठीक है। चावल का जो देश में कुल चावल का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल राज्य का है, लेकिन जब सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादक की बात होगी तो पंजाब जो है वो फर्स्ट होगा। भारत की कुल जो है टोटल जो है कृषि क्षेत्र है उसका 32% भाग पर धान की यानी कि चावल की धान की खेती की जाती है और यहाँ संपूर्ण विश्व का 21.6% धान उगाया जाता है, 21.6%, ठीक है। तो हमारे पास दो सूची है और उसका हमें मिलान करना है, मैं सही मिलान बता रही हूँ आपको। देखिए पौधा रोपण है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य, ठीक है, पौधा रोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य जूट जो है पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में और रबर जो है केरल में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात से सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं। तो देखिए ये जो है नेफेड जो है, समझिएगा, नेफेड स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और MMTC, ठीक है, नेफेड
ट्रेड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और MMTC जो है कृषि उत्पादकों के प्रमुख निर्यातक संस्थाएं हैं। लेकिन अगर इफ़्को की बात करें तो इफ़्को जो है रासायनिक जो है आप खादों के बोरों में देखा होगा आपने इफ़्को लिखा होता है, ठीक है। तो इफ़्को क्या है? इफ़्को रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और निर्यात से संबंधित संस्था है, ठीक है। क्या है? खनिज और धातु व्यापार कॉरपोरेशन MMTC 1963 में स्थापित भारत की एक प्रथम एजेंसी ऐसी है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था है जिससे सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा जो है दिया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा, और नेक्स्ट है हाँ, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखिए वो है स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सा सट्टेबाज नहीं है, ठीक है, सट्टेबाज नहीं है ये हमें बताना है। देखिए दलाल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम की जो मध्यस्थ की भूमिका मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है, और ना कि सट्टेबाज। तो दलाल जो है सट्टेबाज नहीं होते हैं, दलाल नहीं होते। कौन कौन से होते हैं? तेजड़िया मंदड़िया और स्टैक। तेजड़िया मंदड़िया और स्टैक जो होते हैं वो जो है सट्टेबाज का काम करते हैं। तो स्टैग और आपका तेगड़िया मंदड़िया, ठीक है, ये जो है सट्टेबाज का काम करते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं वो जो है मीडिएट करने का काम करते हैं। अब साइंस में हम क्वेश्चन देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है? देखिए ये डायनमो और विद्युत मोटर दोनों ही जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। डायनमो क्या करती है? जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, जबकि विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। डायनमो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर देती है, और विद्युत मोटर करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। दोनों जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित हैं। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जब उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत जो है चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मान लीजिए कोई चालक है, उस चालक को हम विद्युत क्षेत्र में हम रख देते हैं, और विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद अगर उस चालक के दोनों एंड्स पे दोनों पोल्स पे अगर जो विद्युत वाहक बल जो है लगना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम उस स्थिति को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अब देखिए ताप को निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, ताप का किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो देखिए केल्विन में नहीं होता है, केल्विन में नहीं होता है, केल्विन पैमाने पे पैमाने में हिमांक को जो है 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन जो है अंकित किया जाता है, ठीक है। और इनके बीच के जो अंतर है वो 100 जो है बराबर भागों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ये 0 केल्विन का अर्थ होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन का -200 डिग्री 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब केल्विन में जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए दो समान द्रव्यमानों की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, ठीक है। दो समान जो है द्रव्यमान की, जैसे मान लीजिए कि दो समान द्रव्यमान की जो मान लीजिए दो बॉल हैं और दोनों का द्रव्यमान समान है, ठीक है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात है 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो वेगों का अनुपात क्या होगा? वो होगा 2:3 होगा। क्यों होगा 2:3? तो ये एक फॉर्मूला है जो आपका है K1/K2 = 1/2 mv² / 1/2 mv². तो mv स्क्वायर ये v वाला एक का एक बॉल की जो गति है, और v दूसरी वाली है दूसरे बॉल की गति, ठीक है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को रख के तो हमें क्या मिल जाएगा? जो देखिए 1/2 mv² जो है ये कितनी है? ये 4/9 है, और इसके बाद हम निकालेंगे 4/9 है ना, 4/9 हमारा दिया हुआ ऑलरेडी, और हम जब इसको निकालेंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा। तो आपको कौन से फॉर्मूले पे रखना है? आपको रखना है K1/K2 = 1/2 mv² / 1/2 mv² जो है दोनों पे, ठीक है, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है। उष्मा की इकाई कौन है ये हम देख लेते हैं। सेंटीग्रेड ताप की इकाई है, अर्ग उष्मा की CGS में है, जबकि कैलोरी जो है और जूल उष्मा की SI जो है इकाई है, ठीक है। तो इस प्रकार कैलोरी जूल और अर्ग उष्मा की इकाई है, कैलोरी जूल और अर्ग है, लेकिन सेंटीग्रेड क्या है? ताप की है, सेंटीग्रेड ताप की है, उष्मा की नहीं है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है तो कन्फ्यूजन होता है, पर्टिकुलरली अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं होते हैं तो, ठीक है ना। तो जो उष्मा की जो आपकी इकाई है, ठीक है, वो उष्मा की इकाई जो है कैलोरी जूल और अर्ग है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं, क्योंकि सेंटीग्रेड ताप की होती है, टेम्परेचर हम देखते हैं सेंटीग्रेड में। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए इसमें कौन सा पदार्थ
शाकनाशी है, ठीक है, शाकनाशी है, तो ये आपका है ब्यूटाक्लोर, ठीक है, ब्यूटाक्लोर शाकनाशी है। देखिए ब्यूटाक्लोर शाकनाशी रसायन होता है, जबकि अब इसमें कुछ और रसायन दिए हुए हैं, क्लोरपाइरीफास, ठीक है, क्लोरपाइरीफास खरपतवार नाशी, और कॉर्बेनाजिन, ठीक है, कॉर्बेनाजिन जो है कवकनाशी। तो इसका नाम थोड़ा सा अलग है, तो एक बार देख लीजिए, क्लोरा पाइरीफास क्या है, क्लोरापाइरीफास, और आपका कार्बोनजिम, ये कवकनाशी हैं, खरपतवार कवकनाशी है। लेकिन जो आपका ये जो ब्यूटाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर जो है वो शाकनाशी होता है। ब्यूटाक्लोर क्या होता है, शाकनाशी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता और उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो वो है पीवीसी, ठीक है, पीवीसी को जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैव निम्नीकृत मतलब होता है उसको, उसका विघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है, पीवीसी का विघटन नहीं किया जा सकता। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देखेंगे। देखिए जैव निम्नीकृत जो पदार्थ होते हैं, जो जैव निम्नीकृत पदार्थ उसे कहा जाता है जो प्राकृतिक एजेंट जैसे कवक, बैक्टीरिया, पराबैंगनी किरणें आदि जो है की सहायता से विघटित हो जाते हैं, ठीक है, किरणों आदि की सहायता से विघटित हो जाते हैं। लेकिन जैसे सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब विघटित हो जाएगा, लेकिन वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहा जाता है। जैसे कौन से हो गए, जैसे स्क्रैप धातुएं हो गई, है ना, स्क्रैप निकलता है ना, स्क्रैप धातुएं हो गई, पीवीसी प्लास्टिक हो गया, है ना, ये जैव निम्नीकृत है। जैसे ही है वैसे ही साल, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर वैसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि ये जो है हमारे जो प्राकृतिक तरीके से ये निम्नीकृत होते ही नहीं है, तो ये पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रदूषक बन जाते हैं। अब देखिए धातु और अयस्क देखना है किसके, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट। कॉपर का है पाइराइट और क्यूपराइट, ठीक है, कॉपर का क्या है, पाइराइट और क्यूपराइट। एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइट। कॉपर का है आपका पाइराइट और क्यूपराइट। पारा का जो है सिनेबार, पारा का क्या है, सिनेबार। जिंक का है कैलामाइन, जिंक का क्या है, कैलामाइन। आयरन का हेमेटाइट, आयरन का क्या है, हेमेटाइट। फिर से देख लेते हैं, एल्युमिनियम का है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइट। कॉपर का है पाइराइट और क्यूपराइट। पारा का है सिनेबार, जिंक का है कैलामाइन, और आयरन का है हेमेटाइट, ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिर से, देखिए एल्युमिनियम क्या क्या है, बॉक्साइट है ना, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। पारा का, कॉपर का क्या होता है, पाइराइट और क्यूपराइट। पारा का होता है सिनेबार, जिंक का होता है कैलामाइन, और आयरन का होता है हेमेटाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कुछ है समुद्री घास, ठीक है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास किसका स्रोत है, तो देखिए आयोडीन का स्रोत है, ठीक है, समुद्री घास आयोडीन का स्रोत है, जिसको जो है थायराइड या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग कहा जाता है कि आप समुद्री चीज़ों को खाइए ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है आयोडीन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए समुद्री घास आयोडीन का प्रमुख जो है महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो बढ़ते शिशु के मस्तिष्क के विकास और थायराइड की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होता है। यह शरीर के तापक्रम को भी विनियमित रखता है। आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेघा नामक रोग हो जाता है। चूंकि आयोडीन शरीर में जमा नहीं रह सकता, इसलिए इसके दैनिक आधार पर लेना जरूरी है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन, किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, देखिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधे क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेंगे, बिल्कुल सही है, जल लेंगे, बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लेते, क्योंकि ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन वो उत्पाद के रूप में छोड़ते हैं, वो लेते नहीं, वो लेते और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए तो प्लांट्स जो है बहुत ही फ्रूटफुल है हमारे लिए, क्योंकि वो जो CO2 गैस जो वेस्ट जो होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कुछ तो ज़रूरी है लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान करता है। तो पौधे जो है CO2 को ले लेते हैं और उसके बदले जो है ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो ये होता है। तो इसका अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो है 6CO2+12H2O, जो गिब्स क्या देता है वो C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है, और 6 जो है H2O और प्लस 6CO2, यानी कि 6 मॉलिक्यूल पानी का देता है और फिर वाटर का भी 6 मॉलिक्यूल, सॉरी ऑक्सीजन का भी 6 मॉलिक्यूल देता है। तो लेता क्या है, 12 मॉलिक्यूल वो पानी का लेता है और 6 मॉलिक्यूल वो कार्बन डाइऑक्साइड का देता है जो सनलाइट के प्रदेश में ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। अब हमें पादप है और प्रकार है, पादप दिए हुए हैं और प्रकार दिए हुए हैं। देखिए अमरबेल जो है वो क्या है, तना परजीवी है, तना परजीवी। अमरबेल देखा होगा आपने आम के पेड़ वगैरह पे, कसकुटा भी कहते हैं शायद इनको, तो ये आम के पेड़ पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, चढ़ जाते हैं और उन्हीं के सहारे वो उसी पे चढ़ के अपनी जो है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो क्रीपिंग जो है प्लांट्स होते हैं, वो चढ़ने वाले होते हैं, तो तने पे चढ़ते हैं, आम के पेड़ के तने पे चढ़ जाते हैं। चंदन क्या है, जड़ परजीवी है, चंदन क्या है, जड़ परजीवी है। ऑर्किड क्या है, आपका एपिफाइट है, अधिपादप है। ऑर्किड क्या है, एपिफाइट है, जो है अधिपादप है। और घटपर्णी यानी निपेंथिस, निपेंथिस क्या है, कि जो है
कीट भक्षी होता है। आपने ऐसे प्लांट्स को बहुत बार टीवी वगैरह में देखा होगा ना कि ऐसे प्लांट्स होते हैं और उनके जो जो है लीव्स होते हैं, है ना, ये लीव्स होते हैं ऐसे खुले हुए होते हैं, और जैसे ही कोई कीट अंदर जाता है उसमें कुछ एक तरह की फ्रेग्रेंस होती है, जैसे ही कीट उसको सूंघते हुए अंदर जाता है तो वो अपने आप को बंद कर लेते हैं। बंद करते हैं तो क्या होता है, जो उसमें नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन की कमी होती है एक्चुअली ऐसे प्लांट में, और वो जीव जंतु से अपना नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, तो वो उससे नाइट्रोजन ले लेते हैं और उसको बंद करके अपना पाचन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो जो है घटपर्णी हो गया, वो कीट भक्षी हो गया, कीट खा लेता है, मैंने बताया। ऑर्किड क्या होता है, अधिपादक होता है, चंदन जड़ पर जीवी है और अमल बेल तना पर जीवी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है मानव चिकित्सा विज्ञान, जंतु विज्ञान से कुछ क्वेश्चन से जैसे देख लेते हैं। हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है, एक मतलब जो स्त्रियों से रिलेटेड हार्मोन है, तो देखिए जो से एस्ट्रोजन है, जो एस्ट्रोजन है मुख्य रूप से जो अंडाशय से उत्पन्न एस्ट्रोजन महिलाओं के प्रजनन और यौन विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोडियोल और एस्ट्रोयोल, ठीक है, तीन तरीके के होते हैं। जो एंड्रोजन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, वो मेल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और थायरोक्सिन, थायरॉयड ग्लैंड स्रावित होने वाला मुख्य जो है, थायरोक्सिन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड से जो है निकलने वाला एक मेन जो है क्या है, हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन में का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे जैसे बिजली का तार होता है ना, तारों के थ्रू हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्विच ऑन करते हैं, तो तार से ही होते हुए हमारा बिजली का लाइट ऑन होता है। ऐसे ही हार्मोन जो होता है वो हार्मोन वायर्ड नहीं होता, बिना वायर के ही जो भी हमें मैसेज चाहिए होता है हार्मोन के थ्रू वो मैसेज पास हो जाता है, ठीक है ना। तो सारा काम हार्मोन से होता है, तो ये हो गया। तो मतलब क्या है कि जो फीमेल से रिलेटेड है वो एस्ट्रोजन है, मेल से जो है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है, और थायरोक्सिन जो है थायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, विटामिन है और उसका रासायनिक नाम। तो विटामिन बी वन है वो क्या है, विटामिन बी वन है थायमिन, ठीक है, विटामिन बी वन है वो थायमिन है। विटामिन डी है वो आपका आपका कैल्सिफेरॉल है। विटामिन सी है जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन बी वन थायमाइन थायमिन, विटामिन बी वन थायमिन, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। देख लीजिए फिर से, विटामिन बी वन है थायमिन, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। क्या है, विटामिन बी थायमिन, विटामिन डी है कैल्सिफेरॉल, विटामिन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, क्या है, रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल। एक बार फिर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आता है एग्जाम में। तो विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, डी क्या है, कैल्सिफेरॉल, विटामिन ए वन क्या है, बी वन क्या है, बी वन आपका थायमिन है, और विटामिन ए क्या है जो है रेटिनॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है, हमको युग्म सुमेलित करना है, मैं आपको सुमेलित ही बताऊंगी। तो देखिए क्लोरोमाइसेटिन, ठीक है, क्लोरोमाइसेटिन ये क्या है, ये टाइफाइड नासी है, क्लोरोमाइसेटिन ये टाइफाइड नासी है। क्रिस्टल वायलेट क्या है, पूर्तिरोधी है, क्रिस्टल वायलेट पूर्तिरोधी है। और कुनैन जो उसको क्विनिन बोलते हैं, ये मलेरिया रोधी है, क्विनिन मलेरिया को दूर करता है। और एस्पिरिन जो है वो दर्दनाशक है, एस्पिरिन लेते हैं ना हम लोग, तो एस्पिरिन जो है दर्दनाशक है, क्विनिन जो है मलेरिया रोधी है, क्रिस्टल वायलेट जो है पूर्तिरोधी है, और क्लोरोमाइसेटिन जो है ये टाइफाइड नासी है, ठीक है। अब ऐसा देख लेते हैं कि जैसे एक सामान्य क्वेश्चन है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले जो वयस्क मनुष्य है उसके रक्त में कुल जो है मात्रा कितनी होती है। देख लीजिए 70 ग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो देखिए एक सामान्य वयस्क में रक्त की मात्रा उसके कुल भार के लगभग 7% होती है। तो 70% अगर हम निकाल लें, 70 का 70 किलो का वो आदमी है, 70% निकाल लें तो 4.9 kg लगभग उसका किलोग्राम जो है उसका, या जो है 5000 मिलीलीटर उसका रक्त होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित कर देता है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीनों को एमिनो जो है अम्लों में विघटित कर देता है, जो आपका ए है, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन आपका जो है एंजाइम, एक एंजाइम है जो प्रोटीन है उनको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देखिए लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में विघटित कर देता है। तो लैक्टेज का काम है जो लैक्टोज है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देना। जाइमेज जो है, जाइमेज एंजाइम वो क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। जाइमेज क्या करता है, जाइमेज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। दूसरा का है यूरिएज, यूरिएज जो है एंजाइम यूरिया का जल अपघटन करता है, यूरिया का जल अपघटन कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन जो है एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में, अमीनो अम्लों में एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
नेक्स्ट हमारा है जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन हम देख लेते हैं। देखिए जीवाणु भोजी जो हैं वो विषाणु होते हैं जो विषाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी क्या होते हैं? वो विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज बोलते हैं इनको। तो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। बिल्कुल सही है। जो बैक्टीरियोफेज हैं या जीवाणु भोजी वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। देखिए बैक्टीरियोफेज या जीवाणु जो भोजी होते हैं ऐसे विषाणु होते हैं जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित होते हैं और उन्हें ही संक्रमित कर देते हैं। ये डीएनए इनमें डीएनए पाया जाता है और ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जो है क्या होता है, प्रयुक्त होता है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे कृषि और आपका जो है पशुपालन और डेयरी। तो कृषि और पशुपालन में हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। ठीक है, तो मकड़ियों द्वारा जो रेशम बनता है उसको कहते हैं गॉसमर रेशम। ठीक है, गॉसमर रेशम कहा जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गॉसमर रेशम कहा जाता है। जर्मनी में आर्नेगल में एक फ्रेडरिक एलेक्जेंडर विश्वविद्यालय के शोधकर्ता हैं, उन्होंने जो है गॉसमर रेशम या कृत्रिम